हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनिता के एस किचन में। तो आज हम लेके आए हैं आम की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। तो गर्मी के मौसम में ये रेसिपी तो बनाना बनता है, क्योंकि आम का सीजन ज्यादा दिन तो रहता नहीं। इसको बनाने में हमें कोई झंझट नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। तो इसके लिए हमने एक आम लिए हैं, ज्यादा आम की जरूरत भी नहीं है। आम मेरा बड़ा साइज का है और ये बहुत ही मीठा है। हमने मार्केट से मंगाए हैं, एक खा के देखे हैं तो ये बहुत ही मीठा है। तो कोशिश कीजिएगा कि मीठा आम ही यूज कीजिएगा इस रेसिपी के लिए। तो इसको हम अच्छे से छील लेंगे, तो आप चाहे तो चाकू से छील सकते हैं, हम छीलना से छील रहे हैं, आसानी से छीला जाता है। तो हम छील के ले लेंगे इसको। साइड वाला पार्ट को दोनों साइड से हम काट के हटा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जितना आम का गुद्दा है ना वो निकाल लेंगे, साइड दोनों साइड से निकाल लेंगे काट के। जो बीच वाला पार्ट है उसको हम हटा देंगे। तो हम इस तरीके से काट के ले रहे हैं साइड से। तो आजकल सीजनल है, मार्केट में आसानी से आम आ रहा है, बहुत ही सस्ता भी हो गए हैं। तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। कैसे भी कट कर लीजिएगा चलेगा, छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लीजिए। तो कभी भी कोई भी चीज़ कट करे तो प्लीज हाथ बटा बचा के सॉरी हाथ बचा के कट कीजिएगा। तो अब हम लेंगे मिक्सचर की जार। तो हमने सारे आम को कट कर लिए हैं, मिक्सचर की जार लेंगे। तो इसमें हम सारे आम तो नहीं, कुछ हम बचा के रखेंगे ऊपर से डालने के लिए, बाकी हम मिक्सचर की जार में भर ले रहे हैं, तो कुछ हम अलग से रख लेते हैं। हमने कटोरियाँ लिए हैं, उसमें हम इतना आम कटी हुई रख लेते हैं, बाकी को हम पेस्ट बना के ले लेंगे। तो पीस के ले लेना है। तो स्मूथ सा बढ़िया सा पेस्ट हमारा ये बन के तैयार हो गया है, देख सकते हैं। तो बिल्कुल लम्स नहीं रहना चाहिए। तो अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब लिए हम एक कढ़ाई, उसमें एक चम्मच छोटी चम्मच तेल डालें, जो जो नॉर्मली हम घर में खाना खाने के लिए यूज करते हैं उसी चम्मच से। तो हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, उसमें काजू और बादाम किशमिश तीन ही चीज़ है हमारे पास, तो हमने इतना ही लिए हैं। आपके पास ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा यूज कर सकते हैं। तो हम काजू और बादाम को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो 1 मिनट के लिए फ्राई करके निकाल लेंगे हम इसको। ये हमारा देख सकते हैं कलर ज़्यादा भी चेंज नहीं हुआ है, एकदम परफेक्ट तरीके से, ज़्यादा जलाना भी नहीं है। तो हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। हमने निकाल के ले लिए हैं। अब इसी कढ़ाई में हम दूध डाल लेंगे। तो हमने आधा लीटर दूध लिए हैं। आप जितना बनाना चाहते हैं फैमिली के लिए, जितना मेंबर हो फैमिली में आप उतना यूज बना सकते हैं रेसिपी। हम आधा लीटर दूध लिए हैं, आधा लीटर में 6-7 आदमी, 6-7 लोगों के लिए आसानी से बन जाते हैं। हमें चलाते हुए उबाल आने देंगे दूध में। तो चलाते हैं अब, या उबले हुए दूध पहले से उबाल के रख लीजिए, वो दूध यूज कर सकते हैं इसके जगह पे। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो हमने 1 बड़ी चम्मच चीनी लिए हैं। तो आप जितना बना रहे हैं अपने स्वाद अनुसार चीनी डालिएगा कि ज़्यादा मीठा ना हो जाए। इसको मिक्स अच्छे से करके 1 मिनट पका लीजिएगा, ताकि चीनी हमारा अच्छे से घुल जाए। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो हमने आधे कुछ बचा के रखेंगे, आधे से ज़्यादा हम इसमें डाल लेंगे, कुछ बचा के रख लिए ऊपर से डालने के लिए। इसको मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए इसको भी हम पका लेंगे। तो साथ अब इसके बाद हम डाल लेंगे सेवई। तो हमने लिए हैं पतली वाली सेवई, तो देख सकते हैं पतली वाली है, ये भुनी हुई है। तो भुनी हुई लाए थी मार्केट से, भुनी हुई है। अगर आपके पास भुनी हुई नहीं हो तो आप जिस टाइम में हम ड्राई फ्रूट निकाले थे फ्राई करके, उस टाइम पे आप भून सकते थे, उस टाइम पे भून लीजिएगा। इसको हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, 1 मिनट पकाएंगे, 1 से 2 मिनट, क्योंकि पतली वाली है। तो पतली वाली को 1 से 2 मिनट पकाए
तो बहुत ही बढ़िया, चाहे सवे घर पे बनाने के लिए खा रहे हो ऐसे भी नॉर्मली, तो 1 से 2 मिनट पतले वाले को मत पकाइएगा। इसको हम चलाते हुए 1 से 2 मिनट पका लिया, गैस को बंद कर दिया। अब चलाते हुए इसको ठंडा करना है ताकि इसमें जो मलाई पड़ जाते हैं ना ऊपर से वो ना पड़े। तो हम इसको चलाते हुए ठंडा करके ले लेंगे। हमने ठंडा करके ले लिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल दूध, ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। जो हम आम पीस के डाल रहे हैं ना वो उससे फटने की चांस रहती है, तो हम बिल्कुल ठंडा करके ले लेंगे। तो सारा आम जो हमने पीस के रखे थे इसमें डाल लेंगे। अब तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चम्मच के माध्यम से मिक्स कर लीजिएगा इसको। तो इसको थोड़ा सा पतला ही रखिएगा, सेवई जो बना रहे हैं उसको थोड़ा सा पतला ही रखिएगा, ज़्यादा गाढ़े नहीं कीजिएगा, तो एकदम परफेक्ट है। तो इसमें कलर आ रहा है आपको कस्टर्ड जैसे, तो कस्टर्ड का हम कुछ भी नहीं यूज किए हैं और नहीं ऐसा स्वाद है, स्वाद डिफरेंट बहुत ही अलग स्वाद भी है और देखने में लग रहा है, लेकिन हम कुछ भी ऐसा यूज नहीं किए। तो अब इसको ढक के हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ठंडा हो गया है, निकाल के हम ले आए हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे जो हमने हम बचा के रखे थे, उसमें से हम आधा डाल देंगे, आधा को हम बचा लेंगे। हम केला लिए हैं, आपके पास अनार सेब जो भी फ्रूट हो वो डाल लीजिएगा बारीक बारीक काट के। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा तैयार है, अब हम सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए हमने कांच ग्लासेस लिए हैं, आप चाहे तो कटोरिया में भी सर्व कर सकते हैं। तो इसको ग्लासेस में भी सर्व करें तो बहुत ही मज़ा आते हैं। एक बार गर्मी के मौसम में ज़रूर, ये आम का सीजन है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट। अगर एक बार आप ट्राई करेंगे इसको तो हफ्ते में तो एक बार ज़रूर ही ज़रूर ट्राई करेंगे इसको बना के खाएंगे आप ना, ये स्वादिष्ट बनते हैं। तो इसके ऊपर से हमने जो आम कट के रखे थे वो डाल देंगे, कुछ केले डाल देंगे और जो ड्राई फ्रूट हमने बचा के रखे थे वो भी डाल देंगे इसके ऊपर से। तो सारे में इसी तरीके से हम डाल लेंगे। एक बार फैमिली में बना के सबको खिलाइए, देखिए आपको इतना तारीफ मिलेगा, इतना तारीफ मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं सारे चीज़। आप इसमें अनार का दाना डालिए तो और ही टेस्टी बने, सेब डाल लीजिए और ही टेस्टी बनते हैं। तो जो हमारे पास थे वही डाल लिए, नॉर्मली भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हम सारा चीज़ डाल लिए हैं, अब ये हमारा तैयार है। पूरा फैमिली इंजॉय कीजिए इस तरीके से बना के। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूले, ताकि आगे जो हम वीडियो अपडेट करेंगे आप तक जरूर पहुंचेंगे। जो हमें सब्सक्राइब कर रखे हो उसको दिल से थैंक यू, जो नहीं कर रखे हो प्लीज़ सपोर्ट मी, जो कर रखे थैंक यू थैंक यू।